ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की ओर से पुणे में महिला शाखा की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम के दौरान महिला शाखा के कार्यकारिणी महिलाओं को शपथ विधि का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में माइनॉरिटी दर्जे में किस तरह की भारत सरकार की योजनाएं हैं, माइनॉरिटी के कौन कौन से लाभ आप उठा सकते हैं, किस तरह यह फायदेमंद है, इस बारे में जानकारी दी गई। ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की पूरे भारत में 500 से अधिक शाखाएं हैं जो माइनॉरिटी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम करती है। पुणे के इस कार्यक्रम में कई जैन समाज के लोग मौजूद थे। साथ ही ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी, महाराष्ट्र अध्यक्षा पुष्पा कटारिया, विधायक माधुरी मिसाल, संदीप भंडारी जैसे आदि मान्यवरों की उपस्थिति थी। ललित जी गांधी ने हम पर विश्वास करके पूरे महाराष्ट्र की बहनों के लिए ये जो फेडरेशन बनवाया है, हम बहनें मिलकर पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 100-150 शाखाओं का ओपनिंग करने की कोशिश करेंगे। पुणे में अभी फिलहाल 10 शाखाओं की ओपनिंग आज हमने की है। हम बहनें मिलकर जिन परिवारों को ज़रूरत है, जो परिवार वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, हम उनके घर तक पहुँच कर माइनॉरिटी फेडरेशन इस समस्त जैन समाज की राष्ट्रीय स्तर की शिखर संगठन है जो अल्पसंख्यक विषयक जानकारी और अल्पसंख्यक योजनाओं के लाभ समाज तक पहुंचाने का काम पूरे भारतवर्ष में करती है। यह संगठन पूरे भारत में फैला हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक 550 से अधिक शाखाओं के माध्यम से और 1 लाख से अधिक सभासद बने हुए वॉलेंटियर्स के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक ये संगठन अपना काम कर रहा है। माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से समाज के लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें शिक्षा के लिए संबल प्रदान करना, उन्हें अपने व्यापार उद्योग नए स्थापित करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, इसके लिए जो सरकार की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की योजना है उसकी जानकारी एवं उसके लाभ उन तक उपलब्ध करा के देना, महिलाओं के विकास की विभिन्न योजनाएं संचालित करना और महिलाओं को सक्षम करने के साथ साथ उन्हें नए व्यापार उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, इस तरह के कार्य ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से किए जाते हैं। समाज विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और जैन समाज के विकास के साथ साथ सभी समाज के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं इस फेडरेशन के माध्यम से संचालित होते हैं, जिसमें से प्रमुख प्रोजेक्ट है मिशन कैंसर कंट्रोल, जो पूरे भारत में सभी जगह पे भ्रमण करते हुए लोगों के कैंसर की चिकित्सा की सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल कैंसर डिटेक्शन सेंटर बनाया गया है। 2 करोड़ की लागत वाले इस सेंटर में सभी तरह के कैंसर डिटेक्शन के लेटेस्ट मशीन्स लगाए हुए हैं और टेक्निकल टीम के माध्यम से और डॉक्टर्स के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जाके लोगों को चिकित्सा करके कैंसर से बचाने का एक महत्वपूर्ण